हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, कई सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है या फिर बच्चा अंडर वेट है, तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को कौन सा टॉनिक देना चाहिए या बच्चे को कौन सा सप्लीमेंट्स देने चाहिए जिससे बच्चे का वेट बढ़ जाए। बच्चे को टॉनिक देना या सप्लीमेंट्स दे के बच्चे के वेट को बढ़ाना एक अच्छा तरीका नहीं होता। आप बच्चे को हेल्दी डाइट दीजिए जिसकी वजह से बच्चे का वेट बहुत अच्छे से बढ़ेगा। इसलिए इस वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसी चीज़ जिसे आप अगर बच्चे को डेली खिलाएंगे तो आपके बच्चे का वेट बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि किस एज ग्रुप के बच्चे को कितनी क्वांटिटी में आपको ये खिलानी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि बादाम और अखरोट बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। ये बच्चे के वेट को भी बढ़ाता है, बच्चे के ब्रेन को भी शार्प करता है। पर बच्चों को इसे कैसे खिलाया जाए कि जल्दी से बच्चे का वेट बढ़े, तो उसके लिए आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स पाउडर बना के दे सकते हैं। लेकिन गर्मियों में हम ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे को ड्राई फ्रूट्स भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं बच्चे के ऊपर। बच्चे के रैशेज़ हो सकते हैं, बच्चे को ज़्यादा गर्मी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाने के लिए आप 15 बादाम लीजिए, 3 अखरोट लीजिए और साथ में थोड़े से खरबूजे के बीज लीजिए। ये इस मौसम में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और ये इस मौसम में बहुत हेल्दी रहते हैं बच्चे को देना। इससे बच्चे का वेट देखेंगे आप, बहुत जल्दी बढ़ेगा। और थोड़े से मखाने लीजिए, ये भी बच्चे की वेट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन लीजिए, उसे गैस पर रखिए और सबसे पहले उसमें खरबूजे के बीज को अच्छे से भून लीजिए। खरबूजे के बीज जब गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं, तो गैस को बंद कर दीजिए और खरबूजे के बीज को निकाल के अलग कर लीजिए। अब बचे हुए ड्राई फ्रूट्स यानी बादाम, अखरोट और मखाने, इसे नॉनस्टिक पैन में डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। जब ये ब्राउन कलर के हो जाएं, तो गैस को बंद कर दीजिए और सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से ठंडा होने दीजिए। जब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ठंडे हो जाएं, तो उसे मिक्सी में डाल के चला लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, मिक्सी में जब आप चलाते हैं तो पहले केवल 5 सेकंड के लिए चलाइए, मिक्सी ऑफ कर दीजिए, फिर 5 सेकंड के लिए चलाइए, मिक्सी ऑफ कर दीजिए। इसी तरह से आपको ये पीसना है। अगर आप एक साथ मिक्सी चला के पीस देंगे तो आप देखेंगे कि सारे ड्राई फ्रूट्स अपना ऑयल छोड़ देंगे, जिससे आप इसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। इसलिए ये पाउडर की फॉर्म में बने तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, अगर ये ज़रा भी गर्म होंगे तो भी ये ऑयल छोड़ देंगे। और दूसरा, आपको एक साथ मिक्सी नहीं चलानी है, मिक्सी ऑन ऑफ करके 5-5 सेकेंड के लिए ऑन ऑफ करके चलाइए, जिससे ये बहुत अच्छे पाउडर फॉर्म में बनेगा। तो ये तैयार है ड्राई फ्रूट्स पाउडर। आप इसे किसी भी एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो बच्चे का आप खाना बनाते हैं, जैसे खीर, पॉरिज या फिर हलवा, तो उसमें ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर बच्चे को डालकर खिलाइए। आप देखेंगे कि बच्चा इसे बहुत टेस्ट से खाएगा, इससे बच्चे के खाने का टेस्ट और बढ़ जाएगा और साथ ही साथ बच्चे का वेट भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि किस एज ग्रुप के बच्चे को आपको कितनी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स पाउडर देना है। तो 9 मंथ से आप बच्चे को ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर देना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में केवल आधा चम्मच ड्राई फ्रूट्स पाउडर आपको बच्चे को देना है। कि अगर बच्चे को किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, तो आप इसकी क्वांटिटी 1 चम्मच कर सकते हैं। 24 आवर्स में आपको 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स पाउडर देना है। इसे आप 2 या 3 बार में डिवाइड भी कर सकते हैं, आधा आधा चम्मच भी दे सकते हैं। तो इस तरह 24 आवर्स में केवल 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स पाउडर आपको बच्चे को देना है। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप 1.5 चम्मच तक ड्राई फ्रूट्स पाउडर दे सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 1 ही चम्मच इसकी क्वांटिटी रखिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए गर्मी के मौसम में 1 चम्मच से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं देना चाहिए। अगर मौसम ठंडा है तो 1 साल से बड़े बच्चे को आप 1.5 चम्मच भी दे सकते हैं 24 घंटे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।